ओके हेलो एवरीवन एवरीवन गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग क्या हाल कैसे हो आप सब मेरा नाम फरी नस्मत है और आप सबका आफरी नस्मत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम है क्या हाल चाल कैसे हो आप सब सबसे सब पहले तो ये बताओ कि आवाज वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है किसी को आवाज वगैरह का कोई इशू गुड इवनिंग बेटा गुड मॉर्निंग सॉरी नॉट इवनिंग आदत है ना मेरी रोज शाम को तुम लोग को पढ़ाने की अब सुबह पढ़ा रही हूँ तो टाइम लगेगा आदत बदलने में गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हो भाई क्या हाल चाल आवाज वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है गुड मॉर्निंग संतोष गुड मॉर्निंग मगर जी गुड मॉर्निंग राजदीप वालेकुम वाले मोहम्मद उमर हेलो हसन शेख वालेकुम वाले कैसे हो आप सब क्या हाल चाल सब बढ़िया तो आज की क्लास है आपका करंट अफेयर का सेशन जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था डेली एट नाइन पी एम आपका करंट अफेयर का सेशन होने वाला है तो जल्दी से सबसे पहले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो हमसे यहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके उसके बाद आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं ठीक है मैं बिल्कुल बढ़िया हूं आप सब कैसे हैं ओके okay, अब यहां पर मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ क्लास स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर के बारे में बता दूं क्योंकि अभी रिसेंटली आप जानते हो कि कुछ राज्यों के गवर्नर चेंज हुए थे चार के शायद अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं और उससे पहले भी कुछ राज्यों के गवर्नर चेंज हुए थे तो पहले मैं को ये बता दे रही हूँ कौन कौन से राज्य के गवर्नर फिलहाल चेंज हुए हैं सबसे पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं ये न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तो उत्तराखंड के पहले गवर्नर कौन थे उत्तराखंड के पहले गवर्नर थी बेबी रानी मौर्य और फिलहाल वहां के गवर्नर कौन है गुरमीत सिंह अभी कौन है गुरमीत सिंह पंजाब के वीपी सिंह बदनौर गवर्नर थे अभी गवर्नर कौन है बनवारी लाल पुरोहित बनवारी लाल पुरोहित जो पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे वो अब पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु में पहले थे अब यहाँ पर है आर एन रावी ये अभी दो तीन चार दिन पहले चेंज हुए हैं गवर्नर और नागालैंड में जो आर एन रावी थे यानी नागालैंड के जो गवर्नर थे आर एन रावी उन्हें चेंज करके कब दिया गया है जगदीप जगदीश मुखी ठीक है तो अभी रिसेंटली ये चार गवर्नर चेंज हुए हैं उत्तराखंड में आए हैं गुरमीत सिंह पंजाब में आए हैं बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु में आए हैं आर एन रावी और नागालैंड में आए हैं जगदीश मुखी ठीक है ओके okay, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना में छेलीग्राम में, छे में क्विज दिया जाता है और एट पीएम आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है ठीक है ओके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आठ राज्यों के नए गवर्नर ये है ये आठ राज्यों के फिलहाल नए गवर्नर है जो कि मैंने आपको बता दिया थावरचंद गहलोत हैं कर्नाटका के गवर्नर फिलहाल जो कि न्यूली अपॉइंटेड हैं ठीक है नेक्स्ट हरि बापू ये है मिजोरम के गवर्नर मंगू भाई छकन भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं पीएस श्रीधन श्रीधर पिल्लई गोवा के गवर्नर हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सत्यदेव नारायण आर्या त्रिपुरा के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं रमेश बायस जो है वो झारखंड के गवर्नर अपॉइंट करे गए हैं बंदारू ततरैया जो है वो हरियाणा के गवर्नर अपॉइंट करे गए हैं एंड राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट करे गए ये आठ राज्यों के नए राज्यपाल हैं प्रेसिडेंट के द्वारा रिसेंटली ये अपॉइंट करे गए हैं डन को और और करते जाओ। अरे ज़्यादा ज़्यादा से जादा लगाया जितनी है है उतने तो तो बनते ही हैं है ना? Okay, चलो तो फिर ये राज्यों के गवर्नर मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास फोर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है ध्यान से देखेगा विच पोलिटिकल लीडर क्लेमड टू बी प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट ऑन सेप्टेम्बर सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इसमें से कौन सी पोलिटिकल लीडर ने क्लेम किया है कि वो हाउस अरेस्ट के अंदर है किस राजनीतिक नेता ने सात सितंबर दो हजार इक्कीस को घर में नजरबंद होने का दावा किया चार ऑप्शन है राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला ममता बनर्जी या फिर महबूबा मुफ्ती चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए वेन्टली पॉलिटिकल लीडर ने क्लेम किया टू बी इन द हाउस ऑन सेप्टेंबर सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहां पर जो है इमेज लगा रखी है मैंने वैसे तो इमेज देखते ही तुम्हें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर समझ में आ जाएगा ऑफकोर्स करेक्ट आंसर है दैट इज महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है महबूबा मुफ्ती इज द करेक्ट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज आई थी महबूबा मुफ्ती की कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि वो 7 सितंबर 2021 को हाउस अरेस्ट में हूं 2021, 2021 में हाउस अरेस्ट में है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनहोज सिन्हा और वहीं पर लद्दाख के गवर्नर भी मैंने लिख रखे हैं लद्दाख के, है। लद्दा के गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर जो है, वो है। है? Okay, हैं, वो लद्दाख के गवर्नर ठीक है? है? की तरफ बढ़ते हमारे लिए क्या है लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर जॉन पियो एडम रिस कंट्री बाई जो है कौन से फुटबॉल प्लेयर या रिसेंटली एक फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम है जॉन पियर एडम उनका निधन हुआ है ये कौन से देश के लिए खेला करते हैं ये खेला करते थे फ्रांस के लिए खेला करते थे जर्मनी के लिए खेला करते थे अर्जेंटीना के लिए खेला करते थे या फिर इटली के लिए खेला करते थे आंसर देना स्टार्ट करिए सारे के सारे बच्चे भाई रिसेंटली आपको बताना है कि ये प्लेयर जो है वो किस कंट्री के लिए खेला करते थे जॉन पियर एडम जिनका निधन रिसेंटली हुआ है तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं यहाँ पर बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट किया बेटा ये ज्यादातर ना जॉन से जो स्टार्ट होते हैं वो फ्रांस के नाम पे आते हैं ठीक है थीके? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है फ्रांस इज द करेक्ट आंसर वो फ्रांस के लिए खेला करते थे ठीक है न्यूज क्या है सिंपल आपको पता होना चाहिए वो कितने ईयर्स के थे मतलब न्यूज मैंने लिख दी है कि भाई वो सेवेंटी थ्री ईयर्स के थे एट द टाइम ऑफ डेथ सेवेंटी थ्री ईयर्स में इनका निधन हुआ है ठीक है और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर थे जिनका निधन रिसेंटली हुआ है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है ध्यान से देखिएगा इंडिया फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ बायो ब्रिक फ्रॉम एग्रो वेस्ट हैज बीन इनोग्रेटेड एट विच प्लेस इंडिया का सबसे पहला बिल्डिंग जो कि बायो ब्रिक्स से बना

ने आंसर दिया का, काशिफ़ और रहमान ने आंसर दिया सृष्टि कुमारी ने आंसर दिया ए प्रशांत तिपारी ने आंसर दिया यस मैक्सिमम yes, बच्चों ने सही आंसर दिया है ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज आईआईटी हैदराबाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है डन ओके बेटा मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बता दे रही हूँ डेली जो है मैं जो आपकी 9 पीएम क्लास ले रही हूँ डेली उसका 6 पीएम एक क्विज क्रिएट किया जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर ठीक है ये टेलीग्राम की बात बता रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर डेली एट 6 पीएम क्विज क्रिएट किया जाता है और एट पी पीडीएफ शेयर करी जाती है ठीक है तो आप इसे जरूर फॉलो करें टेलीग्राम चैनल को ताकि आप सारे के सारे बच्चे पीडीएफ और क्विजेस से अपडेट रह सके ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्हिच स्टेट अनाउंस या यूनियन टेरिटरी विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी अनाउंस टू थाउजेंड रुपीज फॉर ओवर थ्री लाख गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट अंडर सीड मनी प्रोजेक्ट सीड मनी प्रोजेक्ट के अंदर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने लगभग दो हजार रुपए तीन लाख गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रोवाइड करने के लिए कहा है उत्तर प्रदेश हरियाणा महाराष्ट्र या फिर दिल्ली चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए सारे के सारे बच्चे हां जी वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके और यहाँ पर जितने भी नए स्टूडेंट है सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो ये किस राज्य की बात है बेटा तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो दिल्ली की बात करी जा रही है किसकी बात करी जा रही है दिल्ली दिल्ली की बात करी जा रही है अंडर सीड मनी प्रोजेक्ट के के अंदर दिल्ली ने लाख गवर्नमेंट स्कूल्स स्टूडेंट्स को देने के लिए कहा है ठीक है अब दिल्ली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के लिफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अनिल बाईजाल सभी जानते हैं दिल्ली के लिफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अनिल बाईजाल चीफ मिनिस्टर कौन है केजरीवाल बड़े फेमस है हमें पता सभी को पता है दिल्ली के यूपी के यहाँ के चीफ मिनिस्टर की जरूरत ही नहीं रहती है राज्यसभा में तीन सीट और में है और लोकसभा में सात सीटें हैं ये आपका दिल्ली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो है हिंदी में भी लिखा हुआ है सारे के सारे बच्चे जिनको नोट डाउन करना है वो सारे के सारे नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है परफेक्ट बहुत बढ़िया okay, next question की तरफ बढ़ते हैं। next question हमारे लिए क्या है? इसमें से कौन सी सिटी में इंडिया का टोलेस्ट एयर प्यूरिफायर इनोग्रेट किया गया है इट इज इन दिल्ली पटना कानपुर या फिर चंडीगढ़ चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए इंडिया का Tallest आपको बताना है एयर प्योरिफायर इसमें से कौन सी सिटी में इनोग्रेट किया गया है हाँ जी आंसर देना स्टार्ट करिए विनीत रॉय ने सबसे पहला आंसर दिया विनीत रे है या रॉय है सॉरी रे है विनीत रे ने सबसे पहला आंसर दिया और बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी दैट चंडीगढ़ सबसे बड़ा टॉलेस्ट एयर प्योरिफायर इंडिया का कहां इनोग्रेट किया गया है चंडीगढ़ में इनोग्रेट किया गया है ठीक है अब इससे रिलेटेड क्या न्यूज थी यही न्यूज थी कि भाई चंडीगढ़ में आपको टॉलेस्ट एयर प्योरिफायर इनोग्रेट किया गया है कौन से ओकेजन में तो ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्का इनग्रेशन कियाकाई के ओकेजन में यह ट्वेंटी फाइव मीटर लॉन्ग आउटडोर एयर प्योरिफिकेशन टावर रहा है ठीक है अच्छा अर्लियर ऑगस्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में कंट्री का पहला स्मोक टावर इनोग्रेट किया गया था कैन नॉट प्लेस नई दिल्ली में ठीक है लेकिन अभी ये इंडिया का या सबसे टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर है जो कि चंडीगढ़ में इनोग्रेट किया गया है 25 मीटर लॉन्ग है और ये लगभग एक किलोमीटर की रेडियस की हवा को एक किलोमीटर रेडियस की हवा को एयर प्योरीफाई करने के या कैपेसिटी रखता है ठीक है अब चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी सीट्री एक नवंबर 1966 में बनाई गई लोकसभा सीट इसमें कितनी है एक एडमिनिस्ट्रेटर यहां पर बनवारी लाल पुरोहित है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये दो राज्यों की कैपिटल है सब जानते हैं पंजाब और हरियाणा ये दो राज्यों की कैपिटल है चंडीगढ़ की सिटी को ली कार्बोजियर के द्वारा डिजाइन किया गया जो कि एक फ्रांस के आर्किटेक्ट रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जाता है तो चंडीगढ़ की सिटी को ली कार्बोसियर के द्वारा जो है डिजाइन किया गया ठीक है काफी ज्यादा जो फेमस जगह है वहां पर वो है सुखना लेक जाकिर हुसैन रोज गार्डन जो की है वहां पर काफी फेमस ठीक है ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया है सारे के सारे बच्चों के लिए पीडीएफ के लिए चिंता मत करना डेली एट नाइन एट ए एम आपको पीडीएफ शेयर करवाया जाएगा ठीक है डन ओके क्स्ट अब मुझे ये रॉक गार्डन जो है जो चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है जो भी काफी फेमस है तो ये भी एक फेमस जगह है रॉक गार्डन जो कि नेक चंद सैनी के द्वारा डिजाइन किया गया है तो चंडीगढ़ की सिटी ली कार्बोजियर के द्वारा डिजाइन करी गई है और रॉक गार्डन किसके द्वारा डिजाइन करी गई है नेक चंद सैनी के द्वारा डिजाइन करी गई है डन परफेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है ध्यान से देखिएगा विच इंडियन बॉलीवुड पर्सनालिटी हैज लॉन्च्ड अ बुक टाइटल बैक टू द रूट्स मैं यहाँ पर खड़ी हो जा रही हूँ तुम सारे के सारे को इंडियन सेलिब्रिटी के बारे में पूछो तो तुरंत आंसर दे दो कर। स्पेशली अगर इमेज लगा रखी हो तो, तो मैं यहां पर खड़ी हुई हूं इमेज अभी नहीं दिखा रही हूं चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए कौन सी अभी रिसेंटली किसने लॉन्च करी ये बुक जिसका नाम है बैक टू द रूट तमन्ना भाटिया करीना कपूर ट्विंकल खन्ना या फिर अनुष्का शर्मा हां जी आंसर देना स्टार्ट करिए आंसर देना स्टार्ट करिए सबका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या है ओके okay, यहां पर बच्चे जो हैं आंसर दे रहे हैं चलो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या है तमन्ना भाटिया इसका करेक्ट आंसर भाई इमेज लगी हुई है यहां पर देख लेते तमन्ना भाटिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है डन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्सो क्या है भाई ये इन्होंने को ऑथर्ड करी है ये बुक किसके साथ मिलकर अभी इनके जो कोच है ल्यूक को, को इन हो इनके साथ तमन्या भाटिया ने मिलकर ये जो है बुक रिसेंटली को ऑथर्ड करी है और लॉन्च भी करी है ठीक है डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम सेवेंथ टू एट सितंबर 2021 एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट आखिरकार इसमें से कहां पर हुई जेनेवा बर्लिन या ब्रुजेल्स? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए कहां पर हुई हाँ जी बेटा जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए भाई वीडियो को लाइक और शेयर करो अनुष्का शर्मा नहीं है ना ये तमन्ना भाटिया है ठीक है चलो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी तक बच्चों ने आंसर देना नहीं स्टार्ट किया है

सभा के स्पीकर है वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे ये पहला ग्लोबल पार्लियामेंट्री सम्मिट है ठीक है आ, किस थीम पर है

ऑस्ट्रिया इज जयदीप मजुमदार ठीक है डन तो ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डन इसके बारे में सारी की सारी मैंने हिंदी भी लिखती है यहां पर तो सारे के सारे बच्चे पीडीएफ की चिंता मत करना मैं बार बार कह रही हूं मिल जाएगी पीडीएफ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज बिंग एस्टैब्लिश इसमें से किस स्टेट पे इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो स्टैब्लिश किया गया गुजरात उड़ीसा वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्टैब्लिश किया गया ठीक है डुगोंग यानी काऊ ठीक है ये ओनली वर्ल्ड का ओनली वेजिटेरियन मेराइन मैमल है साइंटिफिक नेम इसका डुगोन डुगन है ठीक है तो आपको बताना है कि इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व डुगोंग यानी सी कंजर्वेशन रिजर्व इसमें से कहां पर स्टैब्लिश किया गया तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो अभी तक बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट नहीं किया है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज तमिलनाडु डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर ठीक है ओके तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर डन बेटा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डुगोंग के बारे में डुगोंग क्या है इट इज आल्सो नोन एज द सी काओ डुगोंग क्या है ये सी काओ के नाम से भी जाना जाते हैं द वर्ल्ड्स ओनली वेजिटेरियन मराइन मैमल भाई विश्व की इकलौती वेजिटेरियन मराइन मैमल है इसका साइंटिफिक नेम है डुगोंग डुगोंग डुगन ये है इसका साइंटिफिक नेम इंडिया में इसे प्रोटेक्ट किया गया अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 और वर्ल्ड टूटकॉन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 28 मई को ये भी याद रखना वर्ल्ड डुगोंग डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ये सारी की सारी चीजें मैंने हिंदी में भी यहां पर लिख दी है डन डन बेटा भाई जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर और लाइक करते जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यार तमिलनाडु के बारे में पहले बात कर ले तमिलनाडु क्योंकि दिस्ट्रिक 38, 38, दिस्ट्रिक जो है, वो उसका भी नाम लिख दिया गया है गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित चीफ मिनिस्टर इज एम के ठीक है लेजिस्लेचर टू और उसके बाद लोकसभा सीट थर्टी है और राज्यसभा सीट अट्ठारह है ठीक है डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज देखो ध्यान से से 6 6 10th 10th 2021. सितंबर 10 2021 में इक्कीस नाम की बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी नेवी के बीच में रिसेंटली कंडक्ट करी जा रही है ऑस्ट्रेलिया जापान या फिर ऑस्ट्रिया चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए सारे के सारे बच्चे हाँ जी बेटा आंसर देना स्टार्ट करिए बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कौन सी कंट्री और इंडिया की नेवी के बीच की एक्सरसाइज है दैट इज ऑसिंडेक्स तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ओके okay, काफी बच्चों ने यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है इट इज ऑस्ट्रिया या फिर ऑस्ट्रेलिया भाई कंफ्यूज हो सकते हो इट इज ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया तो बेटा इसका ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर इट इज नॉट ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया चलो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल करेंसी जल्दी से जल्दी से सबके सब बता दो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है हाँ जी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है कैनप्रा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया और करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की करेंसी है। सब जानते हैं यहां पर कि एडिशन है एंड ऑस्ट्रेलिया इंडियन नेबरशिप शिवालिक और कैडमेट Kad, uh, ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में ठीक है डन ओके बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट कौन से राज्य के इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है एस के फॉर्मर चेयरमैन जिसका नाम जिनका नाम है रजनीश कुमार आंसर देना स्टार्ट करिए तमिलनाडु कर्नाटिका तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश जल्दी जल्दी बच्चे आंसर देना स्टार्ट करिए जी वालेकुम अस्सलाम चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए ओके आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में रजनीश कुमार को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है रजनीश कुमार कौन है फॉर्मर एसबीआई के जो है चेयरमैन है ठीक है रजनीश कुमार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है अब आंध्र प्रदेश की अगर हम बात कर देते हैं तो ये यहां पर इसकी न्यूज थी आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल तीन कैपिटल है यहाँ की सब जानते हैं विशाखापट्टनम इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल म्रवती इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कुरूल इज द जुडिशियल कैपिटल विशाखापट्टनम, आम्रवती एंड कुरन ये तीन कैपिटल हैं आंध्र प्रदेश की गवर्नर इज बिश्वा भूषण हरिचंदन वाई एस जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर इज 175 विधानसभा और विधान परिषद इज 58 सीट्स। लोकसभा में पच्चीस सीट है और उसकी राज्यसभा में कितनी सीट है 11 सीट है ठीक है सारे के सारे बच्चों के लिए ये इनफॉर्ट इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होने वाली है लिख लीजिए परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े ओके okay, एक बार कमेंट देख लेती हूँ आप सबका मैं यहाँ पर एक बार सारे के सारे बच्चों का कमेंट्स देख लेती हूँ मैं ओके okay, फिलहाल किसी का कोई खास कमेंट नहीं है थैंक यू रवि तनवर थैंक यू सो मच मैम पढ़ा था लेकिन याद नहीं होता अरे हो जाएगा

इटली या फिर क्यूबा तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी दैट इज क्यूबा क्यूबा की कैपिटल और करेंसी जल्दी से बता दो क्यूबा की कैपिटल हमारे लिए क्या है हवाना इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा एंड अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो यहां पर करेंसी कौन सी चलती है पीसो इज द करेंसी हवाना इज द कैपिटल एंड पीसो इज द करेंसी ठीक है डन ओके परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स फॉर इंडिया इन टेस्ट भाई मैं खड़ी हो गई हूं सामने ठीक है इमेज दिखा दिया तो आंसर भी पता ही चल जाएगा कौन इसमें से बना है फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स फॉर इंडिया इन टेस्ट चार ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शामी या फिर ईशांत शर्मा आंसर देना स्टार्ट करिए हंड्रेड विकेट इन टेस्ट तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं जसप्रीत बुमराह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इमेज के सामने मैं खड़ी हुई थी कोई बात नहीं ठीक है डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है Michelle Ke Williams, who passed away recently, essayed the popular role Omar title in which among the following TV shows? By Michelle Ke Williams, जिनका निधन recently हुआ है, इन्होंने एक uh, popular role Omar Title का popular role इसमें से कौन से TV show में अदा किया था? The Wire, Bo uh, Board Empire, Lovecraft Country या फिर The Night Dark? हाँ जी आंसर देना start करिए। इसमें से किस में किस टीवी शो में इन्होंने रोल किया था हां जी आंसर देना स्टार्ट करिए ओके अभी तक बच्चों ने नादिर शाह ने आंसर दिया अखिल कुमार ने भी आंसर दिया बेटा ला बायद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैम मैं, मैं आपसे पढ़ा हूँ और NDA सेलेक्ट हूँ पंकज वर्मा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और सुन के और जान के बहुत खुशी हुई कि आप मुझसे पढ़ चुके हैं ठीक है ठीके? अगर थोड़ा सा भी मैंने आपके सक्सेस पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो इट मीन्स अ लॉट टू मी और बहुत अच्छा और खुश हुआ मैं जान के ठीक है ओके नेक्स्ट इज वॉट चलिए यह तो हो गया इन द बायर ये हो गया ओके हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द 16th बेहलर टर्टिल कंजर्वेशन अवार्ड इसमें से किसने जो है सोलवा बेहलर टर्टिल कंजर्वेशन अवार्ड जीता है चार ऑप्शन है मारिया जा शैलेंद्र सिंह या फिर कृथि कारनाथ चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए सारे के सारे बच्चे हाँ जी बेटा बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड इसमें से किसने जीता है

इन फील्ड ऑफ टर्टल कंजर्वेशन ठीक है ये अवार्ड जो है वो कैरी करता है पांच हजार डॉलर का प्राइस ठीक है तो ये आपका बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फो थी तो पहले बताओ आज की क्लास कैसे लगी आप सबको कैसी लगी बेटा आज की क्लास क्वेश्चन समझ पे आए सारे के सारे बच्चे हाँ जी डेली एट नाइन पी एम नाइन ए एम नॉट सॉरी नाइन पी एम नाइन ए एम आप, आप सबकी क्लास होगी ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दे रही हूँ कि इस क्लास के बाद तुम लोगों को क्या करना है ऐसा नहीं है कि यहीं पर सब खत्म हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे जो आज पढ़ाया है ना मैंने इसी पढ़ाने से रिलेटेड मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि क्या है एडुकेटर ऑफ रेट ठीक है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है तुम सबको एडुकेटर टेलीग्राम चैनल पर सिक्स पी डेली आपका इसी के उपर, इसी क्लास के दिया तो आप सबकी आप सब कैसी तैयारी रही डेली और उसके अलावा 8 पीएम को डेली आप सबकी इस क्लास की पीडीएफ को शेयर किया जाएगा ठीक है डन तो यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो ठीक है ओके

पक्की तरीके से जुड़े यानी आप थ्योरी भी आ, आपको मैं पढ़ा रही हूँ वहां पर थ्योरी के अलावा मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस भी करा रही हूँ वहां पर ठीक है तो इकोनॉमिक्स का थ्योरी का बैच ऑनगोइंग है और साथ ही साथ नया बैच भी स्टार्ट होगा इसके अलावा उसे बैच से रिलेटेड एग्जाम पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए

ओके okay, तो कोड जरूर याद रखना आ, पेमेंट करने से पहले आपको ये कोड लगाना है आफरीन ट्रिपल वन ये कोड लगाओगे सब्सक्रिप्शन फी पर आपको मैक्सिमम टेन परसेंट का ऑफ मिल जाएगा ठीक है तो अन प्लस का सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं होता याद रखिएगा ओवरऑल आपको सब कुछ दे रहा है यानी सारे टीचर्स से पढ़ने का मौका लाइव और रिकॉर्डेड से करके, के बात करके अपने डाउट को सॉल्व करने की फैसिलिटी डाउट आज का डाउट फीचर है जो कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते जब भी आपको डाउट क्रिएट हो रहा है चाहे एडुकेटर हो या ना हो आप क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसके अलावा क्विजेस वगैरह एवरी थिंग यू विल फाइंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्मी प्लस तभी अगर आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन बाय करना है यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड ठीक है ओके चलो थैंक यू सो मच फिर आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन डू शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ठीक है चैनल को अपने सारे स्टूडेंट्स uh, के बीच में शेयर करिएगा और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलिएगा ठीक है थैंक यू सो मच एवरी वन बाय बाय टेक केयर बाय बेटा